वही पैमाना बने। वाह 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 वाह। फर्क क्या आशिक और माशूक में, बस इतना कितना अच्छा शेर था। फर्क क्या आशिक और माशूक में, बस इतना है कोई दीवाना बनाए कोई जीवाना बने। हाय इन बेपरों बालों की तमन्ना तौबा, शाखिबुल टूट के गिर जाए तो काशाना बने। इतने अच्छे शेर वो कहता था और वो पढ़ते ऐसे लानती थी बुढ़े अफसर। उनका असातिज़ा में नंबर आता था। अरे तू वो बुलबुल है, तू वो बुलबुल है कि हर गुण तेरा दीवाना बने, और आँख जिस फूल पर डाले वही है। कर्त क्या याशी को माशूक में बस इतना आए, कोई दीवाना बनाए कोई कभी मिलता तू। अब पंडित नारायण मुल्ला, अब पंडित नारायण मुल्ला इतना अच्छा शेर कहता है। देखिए ये वो वही शायर है कि जो कह सकता है, बहुत गंदा कहता है। इस बार हिंदुस्तान के जितने लोग कह रहे हैं सबसे अच्छा वो कह रहा है। हाँ अब देखिए शेर है उसका जो बिल्कुल तारीफी हैसियत रखता है कि जब कभी अमन की इंसान ने कसम खाई है, जब कभी अमन की इंसान ने कसम खाई है, लबे इबलीस पे हल्की सी हंसी आई है। कितना खूबसूरत टच है इसको। जब कभी अमन की इंसान ने कसम खाई है, लबे इबलीस पे हल्की सी हंसी आई। ये तो खैर ये सियासी थे तफजुल में उसका बात कहता है कि खून चकाम गर्क तमन्ना जार सा बीमार सा, आप इसको क्या बना लाए ये मेरा दिल नहीं। खून चकां गर्के तमन्ना जार सा बीमार सा, आप इसको क्या बना लाए ये मेरा दिल नहीं। मगर साहब जब पढ़ते हैं तो मालूम था वो जो बच्चे एक वो बनाते हैं ना जिसे कौवा कहते हैं, वो घोड़े के दुम के बाल और वो ताशे लगा के रखे हैं वो आप इसको करा लाए जो मेरा दिल नहीं। एक मतलब मुशायरे में एक साहब को देखा वो फफूंद से आ गए थे और जहाँ बहुत ही थर्ड क्लास शेर करते थे निहायत पोच, पढ़ते भी कुछ वो वैसे ही थे लखनऊ वालों के रंग में, लखनऊ वालों का खास स्टाइल है पढ़ने का उसमें वो पढ़ते थे। मगर एक मुसीबत ये थी कि जब उनका तरंगम शुरू हो जाता था तो फिर नसर नहीं आती थी बीच में। अभी उन्हीं का शेर मुझको याद रह गया है बहुत, इसको मेरे ख्याल में कोई 22 बरस तो हो गए। ये अहमद फफूंदी के साथ एक साहब आए थे फायक उनका तखल्लुस था, ये उन्हीं का शेर है वो इसी तरह पढ़ते थे वो, फिर यानी नसर गायब हो जाती थी। मुँह फेर लिया ना से शर्मा के किसी ने, और दिल थाम लिया तीरे नजर खा के किसी ने आदाब रज़े। हुजूर अर्ज किया है अली कब्र का मुर्दा मिर्जा साकिब मुशायरे में मरेगा किसी दिन मुशायरे में। गजीत लाए हैं भाई रजा, देख लीजिए जहाँ जहाँ बैठे हैं जहाँ नशीन अमीर और गालिब साकिब चला रुखसत चराग सहरी जा रहा है गया ये बयान ये जबान ये कलाम।
سنیا گرات بھائی رضا جی زمین بھائی رضا جی زمین قبر کے بھائی رضا جی ملازا فرما گیا حضرات زمین قبر کے جھٹکے بیٹھا آیا وہاں سے پانی بانٹنے ساقب شیر پڑ رہا ہے وہ پانی بانٹ رہے ہیں بھائی رضا علی زمین قبر کے جھٹکے بھائی رضا علی زمین قبر کے جھٹکے ارے معاذ اللہ کہ ٹوٹ ٹوٹ گئے سلسلے قرابت کے داد دے رہے ہیں آپ ثاقب کے شعر کی کیا سمجھے چلے داد دینے چھوٹا منہ بڑی بات ارے زمین بھائی رضا جی یہ نا چپکے بیٹھے رہیے تو مصیبت داد دیجیے تو مصیبت اور یہ تمام جو جتنے اساتذہ اس قسم کے تھے سب کا عجیب عجیب موڈ تھا اور مرزا قاضی حسین نشر وہ جناب معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ شخص اپنی زندگی سے بیزار بیٹھا ہوا ہے مشاعرے میں اکڑے ہوئے بیٹھے سیخ سرائی آدمی اور یہ بیٹھے ہوئے ایک لفظ سے داد دیتے تھے اگر شعر بہت پسند آ گیا تو ہم کہا واہ معمولی پسند آیا واہ برا ہوا شیر تو شیر پہ ہو جاتی تھی کہ اگر کسی نے کوئی بادشاہ مصرا پڑھ دیا تو وہ چونک پڑتا تھا صاحب پھر وہ بے قابو ہے اے سبحان اللہ میں پھر پڑھا اسی کو میں دیکھیے گا کیا لوکے نے کہا ہے اپنی بساس سے کہیں اونچا کہہ گئے ہو ارے کیا شیر بنے گا پڑھے جاؤ اس نے پھر پڑھا پھر سات آٹھ دفعہ پہلا مصرا پڑھوایا دوسرا لطف آ رہا ہے بھائی کیا شعر بن رہا ہے اس نے دوسرا پڑھا ہے تجھے خدا کی اب وہ شور میں وہ سمجھا کے داد دی وہ سلام ہے سلام